हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 8, अमाची इनक्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, अमाची कौन होती हैं? अमाची साउथ में दादी को बोलते हैं, जैसे आप लोग सब दादी बोलते हैं, साउथ इंडिया में दादी को, ग्रैंड मदर को अमाची बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे अमाची बड़े ही बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया तहकीकात, जैसे आप लोग CID देखते होंगे सीरियल, है ना। तो CID में कैसे पुलिस चोर को पकड़ने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करती है, तहकीकात करती है, जानने की कोशिश करती है कि कोई भी क्राइम कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि अमाची किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स हैं अमाची, अपाचीन और सूरज। अमाची तो आपने जान लिया कि दादी को बोलते हैं, दादी का पोता है सूरज, और जो दादाजी हैं उनको अपाचिन बोलते हैं साउथ में। जैसे हम लोग दादी को दादी बोलते हैं, वो लोग अमाची बोलते हैं, वैसे ही दादाजी को अपाचिन बोलते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओ नो, द उन्नीअपम्स हैव डिसअपीयर्ड, सेड अमाची। अमाची कहती हैं, अरे नहीं, उन्नीअपम्स तो गायब हो गए। अब ये उन्नीअपम क्या है? उन्नीअपम एक डिश होती है जो कि साउथ में बहुत फेमस है, जो कि राइस, चावल, गुड़, बनाना और कोकोनट से मिला करके बनाई जाती है, और ये स्वीट डिश होती है। तो अमाची कह रही हैं कि अरे नहीं, उन्नीअपम तो गायब हो गए। समवन मस्ट हैव स्टोलन देम, सेड सूरज। तभी सूरज कहता है, किसी ने तो चुरा लिए होंगे पक्का। बट हु, आस्क्ड अमाची। अमाची कहती हैं, पर कौन हो सकता है जो उन्नीअपम चुराएगा? इट कुड हैव बीन पेनी, सेड सूरज, और मे बी इट वॉज दैट सिविट फ्रॉम द एटिक। तभी सूरज कहता है, हो सकता है कि वो पेनी हो, पेनी इनकी पेट डॉग हो सकती है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है चैप्टर में कि पेनी कौन है, तो मे बी पेनी जो है इनकी पेट डॉग है या पेट एनिमल है, कैट भी हो सकती है। इसके अलावा वो सूरज कहता है कि हो सकता है कि सिविट ने चुराया हो, जो कि छत से आता था। एटिक का मीनिंग होता है छत, ठीक है, एटिक होता है छत, टेरेस, ओके। और सिविट कौन होता है? सिविट एक पतला सा नेवले की फैमिली का, नेवला जैसा दिखने वाला जानवर है, ठीक है। तो सूरज अपनी दादी से कह रहा है कि हो सकता है ये पेनी ने चुराया हो, या फिर हो सकता है वो सिविट आया हो और उसने चुरा लिया हो, खा लिया हो। सेड अमाची, परहैप्स। फिर अमाची कहते हैं, हो सकता है, शायद। परहैप्स का मतलब हो गया शायद, तो शायद हो सकता है ऐसा भी हो। और डू यू थिंक अपाचिन टुक देम, आज सूरज। फिर सूरज कहता है, और फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि अपाचिन यानी दादाजी भी जो हैं उन्नीअपम्स को चुरा सकते हैं? देर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट, सेड अमाची। अमाची कहती हैं, सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का, किसने उन्नीअपम चुराए हैं। ओ हो, सूरज कहता है, ओ अच्छा, कैसे, हाउ, कैसे? वी मस्ट ले 3 ब्रिलियंट ट्रैप्स। फिर दादी कहती हैं कि हमें जो है 3 बहुत बढ़िया तरीके से ट्रैप्स लगाने होंगे, बहुत अच्छे वाले ट्रैप्स लगाने होंगे, यानी जाल लगाने होंगे। जैसे नहीं, चोर को पकड़ने के लिए हम जाल बुनते हैं, जाल बनाते हैं, है ना, तो वैसे ही जाल बनाने होंगे, जाल में फंसाना होगा। फर्स्ट वी नीड मोर उन्नीअपम्स। तो फिर जो दादी हैं, अमाची हैं, वो कहती हैं, हमें तो सबसे पहले और उन्नीअपम्स चाहिए। आर दे ऑल गॉन, आज सूरज। तभी सूरज कहता है, क्या वो सब ख़त्म नहीं हो गए? नो, आई हिड सम इन द किचन, सेड अमाची, फॉर एमरजेंसीज। तभी अमाची कहती हैं कि अरे नहीं, मैंने कुछ उन्नीअपम्स को किचन में छुपा के रख दिया था एमरजेंसी के लिए। हाहा, यम। तभी सूरज कहता है कि आहा, बढ़िया, टेस्टी। यम यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत टेस्टी है, जैसे उन्नीअपम्स जो है वो बहुत टेस्टी है। तभी सूरज जो है कहता है, ओहो अच्छा, छुपा के रखे हैं। आर फर्स्ट ट्रैप इज़ फॉर द सिविट, सेट अमाची। अमाची कहते हैं, हमारा जो पहला जाल होगा वो सिविट के लिए होगा। When he comes through the window, he will fall right into this basket. His weight will make the lid fall shut automatically. तभी जो अमाची हैं वो बताती हैं कि किस तरह से वो जाल बनाएंगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बास्केट रख दी विंडो के नीचे, और उस बास्केट के ऊपर एक ढक्कन रख दिया, और उन्होंने कहा कि जैसे ही जो सिविट है, जो नेवले जैसा जानवर है, जब वो आएगा विंडो से, तो वो सीधे इस बाल्टी में गिर जाएगा, और इसके वजन से जो ऊपर का जो ढक्कन है वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अमेजिंग, सेट सूरज। सूरज कहता, मज़ेदार, बहुत बढ़िया आइडिया है। दिस वन इज़ फॉर पेनी,
इफ़ शी ट्राइज टू ईट द उन्नीअप्पम शी विल बी इंस्टेंटली ट्रैप्ड अंडर द बकेट। फिर एक बकेट लेती हैं अम्मा जी और उस बकेट को रख देती हैं और बताती हैं कि ये जो ट्रैप है, ये जो जाल है, ये मैंने पेनी के लिए लगाया है। अगर पेनी आती है उन्नीअप्पम खाने के लिए तो तब तो वो इस बाल्टी के अंदर कैद रह जाएगी। ब्रिलियंट सेट सूरज। सूरज कहता है बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला आइडिया है ये तो। एंड दिस हिडन कैमरा विल कैच अपाचिन रेड हैंडेड सेट अम्माची। अम्माची कहती हैं और ये जो हिडन कैमरा है जो छुपा के उन्होंने कैमरा लगा दिया था, तो कहते हैं कि ये जो हिडन कैमरा है ये अपाचिन यानी दादाजी को रंगे हाथ पकड़ लेगा अगर वो चुराएंगे तो। इफ़ ही लिफ्ट्स द उन्नीअप्पम ऑफ द प्लेट दिस स्ट्रिंग विल स्लिप आउट एंड ट्रिगर द कैमरा शटर। और कहते हैं अगर जो अपाचिन है वो अगर उन्नीअप्पम के ढक्कन को खोलेंगे और प्लेट को उठाने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही एक जो धागा उन्होंने बांध दिया था वो धागा जो है खिंचेगा और उस धागा खींचने से जो कैमरा है, कैमरे का शटर जो है, जो क्लिक की आवाज़ आती है, जो शटर है वो चल जाएगा और जब शटर बंद हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये तो दादाजी ने चुराया था। जीनियस सेड अम्मा जी सेड सूरज। तभी सूरज कहता है कि जीनियस आइडिया दादी, वाह। एंड नाउ वी वेट, और अब हम वेट करेंगे। एंड आवर पास्ट, एक घंटा बीत जाता है। अम्मा जी वॉज इन हर रॉकिंग चेयर रीडिंग हर फेवरेट साइंस बुक व्हेन सूरज केम रनिंग। एक घंटा बीतने के बाद अम्मा जी जो होती हैं अपनी रॉकिंग चेयर पर, रॉकिंग चेयर वाली चेयर होती है जो हिलती रहती है पूरा टाइम, है ना। कैसे हिलती है, कुछ इस तरह से हिल रही होती है, उसके नीचे इस तरह से बना होता है रॉकिंग चेयर पे, ठीक है, और ऊपर जो है चेयर होती है, बैठने के लिए चेयर बनी होती है, इस तरह वाली जो चेयर होती है उसको हम रॉकिंग चेयर कहते हैं। तो रॉकिंग चेयर पे अम्माची जो हैं वो अपनी फेवरेट साइंस बुक को पढ़ रही होती हैं। तभी सूरज जो है भागते हुए आता है उनके पास। अम्मा जी कम एंड लुक द ट्रैप्स हैव बीन स्प्रंग। तभी कहते हैं कि अम्मा जी चलो देखो जो ट्रैप्स हैं वो उछल के गिर गए हैं। ओ सेड अम्मा जी लेट्स सी, अच्छा चलो देखें। बट द उन्नीअप्पम्स आर ऑल गॉन सेड अम्मा जी अगैन। अम्मा जी कहते हैं पर फिर से उन्नीअप्पम गायब हो गए। द बास्केट ट्रैप इज एम्प्टी, जो बास्केट वाली ट्रैप है वो भी खाली है। सो इज़ द बकेट ट्रैप हाउ ऑड। कहती हैं कि जो बकेट वाला ट्रैप है वो भी खाली है। हाउ ऑड, बड़ी अजीब सी बात है। द कैमरा डिड नॉट गो ऑफ इधर, और कैमरा भी बंद नहीं हुआ। वॉट अ क्लेवर थीफ सेट अम्मा जी। अम्मा जी कहते हैं बड़ा ही चालाक चोर है ये तो। मे बी वी शुड ले थ्री मोर ट्रैप्स। तभी अम्मा जी कहते हैं हमें हो ऐसा करना चाहिए, हमें तीन ट्रैप्स और लगाने चाहिए, तीन जाल और लगाने चाहिए। यस सेट सूरज। सूरज कहता है हाँ अम्मा जी तीन जाल और लगाने चाहिए। बट वॉट विल वी यूज एज बेट, पर हम बेट, बेट क्या होता है, बेट होता है कोई भी लुभाने वाला सामान जो कि ट्रैप के अंदर, जाल के अंदर रखा जाता है। जैसे हम घरों में अपने चूहे को पकड़ने के लिए चीज़ का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा रखते हैं ना जाल के अंदर, तो वही जो लुभाने वाला सामान है वही बेट है। तो यहाँ पर जो अम्मा जी हैं वो कहते हैं पर हम जाल में रखने के लिए क्या सामान इस्तेमाल करेंगे कि जो चोर है वो, मतलब उसको लुभाने के लिए हम क्या सामान रखेंगे। डोंट वी हैव थ्री मोर उन्नीअप्पम्स लेफ्ट इन दी ओवन आस्क्ड सूरज। तभी सूरज कहता है क्या हमारे पास तीन उन्नीअप्पम्स और नहीं रखे हैं ओवन में। आहा सेट अम्मा जी नॉट सो क्लेवर आफ्टर ऑल आई सी। तभी जो अम्मा जी हैं कहते हैं आहा इतने भी चालाक नहीं हो तुम, मैं देख रही हूँ तुमको, इतने भी चालाक नहीं हो तुम। सेट सूरज वॉट। तभी सूरज कहता है क्या, हाउ डिड यू नो दैट देयर आर थ्री उन्नीअप्पम्स लेफ्ट सूरज आस्ट अम्मा जी। तभी अम्मा जी सूरज से कहते हैं सूरज तुम्हें कैसे पता कि तीन उन्नीअप्पम से बचे हुए हैं किचन में। एंड हाउ डू यू नो दैट दे आर हिडन इन दी ओवन, और तुम्हें कैसे पता कि वो जो उन्नीअप्पम हैं वो ओवन में छुपा के रखे हुए हैं। तभी जो सूरज है वो बहाने बनाने लगता है कि उसे कैसे पता, क्योंकि उसे तो, एंड इट आई डिंट टेल एनी वन एल्स हाउ द ट्रैप वर्क, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि जाल किस तरह से काम करता है। ओनली यू कुड हैव स्प्रंग देम विदाउट गेटिंग कॉट, सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो उन जाल को उछाल सकते थे बिना पकड़े जाए।
ओके ओके सेट सूरज, फाइन, यू कॉट मी, आई एम दी उन्नीअप्पम थीफ। तभी सूरज कहता है, अरे ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि मैंने ही चुराए थे और मैं ही उन्नीअप्पम चुराने वाला चोर हूँ। आई न्यू इट, सेट अम्मा जी। अम्मा जी कहते, देखा मुझे पता था तुम ही हो चोर। ही दोज उन्नीअप्पम्स वर टू इररेजिस्टेबल अम्मा जी, सेट सूरज। सूरज कहता है कि हाँ अम्मा जी, वो जो उन्नी अपम्स थे वो, उनसे मैं उनको मैं इरेजिस्टिबल ही नहीं था, मतलब मैं उनको बिल्कुल, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगा था मैं सब खा जाऊं। यू आर सच अ गुड कुक, आप बहुत अच्छी कुक हो, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हा, यू लिटिल फ्लैटरर, सेड अम्मा जी। अम्मा जी कहते हैं, हाँ तुम छोटे से फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब होता है चूना लगाने वाला, ठीक है, जो बातों बातों में चूना लगाए। जैसे अगर आपको भी चॉकलेट चाहिए तो आप कैसे अपनी मम्मी को चूना लगाते हो कि मम्मी है ना, उनकी तारीफ़ करते हो और फिर चूना लगाते हो, तो इस तरह से फ्लैटरर का मीनिंग हो गया चूना लगाना। तो अम्मा जी कहते हैं, हाँ तुम मुझे ज़्यादा चूना लगा रहे हो। हु गेट्स टू ईट द रिमेनिंग उन्नीअप्पम्स अम्मा जी। तभी सूरज कहता है कि अम्मा जी, जो बचे हुए उन्नीअप्पम्स हैं वो कौन खाएगा, वो किसको मिलेंगे। हा, कम वी विल शेयर देम। तो अम्मा जी जो है हंसते हुए कहती हैं, आओ हम लोग शेयर करके खाएंगे। ओ नो, सेड अम्मा जी, द उन्नीअप्पम्स आर गॉन अगेन। तभी अम्मा जी कहते हैं, अरे नहीं, उन्नीअप्पम्स तो फिर से गायब हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर का एंड, और इस स्टोरी को लिखा है विनायक वर्मा ने, जो कि एक बैंगलोर के बेस्ड राइटर हैं, ठीक है, और ये बहुत फनी स्टोरीज लिखते हैं, इलस्ट्रेटर हैं ये। और इनकी फेमस जो स्टोरीज हैं वो हैं जादव एंड द ट्री प्लेस, एंग्री अको एंड द सन शावर सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा, और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जा कर के इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।